हेलो। तो आज हम बात करेंगे क्लेवियम ड्राई सिरप के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप है, बच्चों की कई सारी समस्याओं में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्लेवियम ड्राई सिरप जो कि एल्केम कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 61 रुपए है, जो कि 30 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लोविनेट, और इधर देखते हैं एमोक्सिसिलिन 125 mg, पोटासियम क्लोविनेट 31.5 mg अवेलेबल है। दोस्तों इस सिरप को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, ये एक एंटीबायोटिक है, कई सारे प्रॉब्लम्स में प्रयोग की जाती है। नंबर टू, बच्चों को निमोनिया हो तो उसमें दी जाती है। नंबर थ्री, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नंबर फोर, स्किन इन्फेक्शन हो। नंबर फाइव, टाइफाइड हो। नंबर सिक्स, बुखार हो, खांसी हो तो उसमें भी दी जाती है एंटीबायोटिक के रूप में, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। नंबर सेवन, कान में इन्फेक्शन हो। नंबर एट, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। नंबर नाइन, चेस्ट में इन्फेक्शन हो। नंबर टेन, गले में प्रॉब्लम हो, गले में दर्द हो। नंबर 11, नाक में इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में दी जाती है इस एंटीबायोटिक को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे करें। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं, जैसे कि 10 से 12 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, दिन में एक बार 3 से 5 दिनों तक, बाकी कंडीशन को देखकर 7 दिनों तक दी जाती है। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है, और इसको खाने खाने के बाद भी दे सकते हैं और खाने खाने से पहले भी दे सकते हैं। तो आपको इसी तरह यूज करवाना है बच्चों को, जो कि डॉक्टर खुराक दें उसके हिसाब से ही प्रयोग करवाना है बच्चों को। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर वन, अगर इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो यूज ना करवाएं। नंबर टू, लीवर किडनी पेशेंट को भी यूज ना करवाएं विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर थ्री, ओवरडोज भी ना लें। नंबर फोर, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस एंटीबायोटिक का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो क्लेवियम ड्राई सिरप के बारे में, जो बच्चों का सबसे बढ़िया सिरप है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।